Hello everyone, I am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about the very basic topics about use of this and that. So guys, as hum this or that discuss karenge, THIS, this means hota hai yahan, aur jo ye this hai ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एकवचन, एक चीज के लिए जिन्हें हम टच कर सकते हैं, विच वी कैन टच, देयरफॉर वी कैन यूज दिस, एंड इट्स यूज फॉर नियर, एंड ई ए आर, नियर, नियर का मतलब होता है पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इसका यूज होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए, हम इसका यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं बच्चों, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग मीन्स होता सजीव एंड नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव, सजीव और निर्जीव के लिए हम इसका यूज करते हैं, और जो हमारे पास जिन्हें हम टच कर सकते हैं, गेटिंग, इसका जो फॉर्मेट है, जो रूल है, दिस इज वेन ही है देन ऑब्जेक्ट, अब आप बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज चीयर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज योर पेन, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, मीन्स विच आर वेरी नियर टू अस वी कैन यूज दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, यहां पे दिस इज ए कार, ये कार है, ए कार क्या है आपकी, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग, ये क्या है कार आपकी, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, इट मींस निर्जीव चीजों के लिए हमने किसका यूज किया, दिस का, और लिविंग के लिए भी करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज माय ब्रदर, दिस इज माय ब्रदर, तो माय ब्रदर क्या है यहां पे, लिविंग है, माई ब्रदर क्या है यहाँ पे, लिविंग है, एल आई वी आई एन जी, लिविंग, तो व्हाट आई सेड, दिस का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, और जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, जो हमारे नियर होते हैं, ऑलरेडी आई सेड यू विच आर वेरी नियर टू अस वी कैन यूज दिस, सो गाइस मैंने अभी दिस के बारे में डिस्कस किया है, होप यू गॉट इट ईच एंड एवरीथिंग विच आई टॉट यू बाय थ्रू दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच and have fun with Kandarisa, thank you.